हाय फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सब ठीक है, आपके सारे बार्ड्स भी बहुत अच्छे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा फिंच बर्ड के अंडे को कैसे चेक करते हैं, उसके अंदर बच्चे है या अंडे फर्टाइल है या उसमें से बच्चे निकलेगा या नहीं, ये आपको दिखाऊंगा। ये मेनली एक फ्रेंड का रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए आपको दिखाएंगे। दो तीन पेयर के अंडे को चेक करके दिखाएंगे कि उसके अंदर बच्चे है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए चाहिए होगा एक कपड़ा चाहिए होगा, देख सकते इस तरह का एक कपड़ा आपको चाहिए होगा जिसमें आपको अंडे को बाहर रखना है, और एक मोबाइल फ़ोन या टॉर्च लाइट की जरूरत होगा जिसमें से हम हमारे जो अंडे हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो है कपड़े को रखते हैं नीचे, जहाँ पर हमारा जो नेस्ट से हम बक्से से जो अंडे को बाहर निकालेंगे उनको यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ पर है एक मोबाइल फ़ोन, आप टॉर्च भी ले सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे सिर्फ ये चाहिए, देखो ये फ्लैश लाइट है, इससे ही हम देखेंगे कि हम इसके अंदर अंडे के अंदर बच्चे है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर से मेरा एक कुछ यहाँ पर एक प्यार का अंडा दिया हुआ है चार पांच, तो उससे बाहर निकालते उसको ही। इससे स्टार्ट कर से दो प्यार को आपको दिखा दूंगा, ठीक है, जो नया नया अंडा दिया है वो भी आपको दिखा देंगे, तो थोड़ा पुराना हो गया वो भी आपको दिखा देंगे। चलिए यहाँ पर देख सकते कुछ अंडे है, यहाँ पर पांच अंडे दिया हुआ है। तो आपको किसी तरह बहुत सावधानी के साथ ये अंडे को बाहर निकाल लेना है। ये सब करते वक्त जो अंडा है ना टूट जाने का डर रहता है, तब बहुत ध्यान से कर लेना जो भी आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर पांच अंडा है, मैंने इस नेस्ट बॉक्स केट से बाहर निकाल लिया। तो आप चाहे तो इसको बाहर निकालने के लिए कुछ चम्मच वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं चम्मच नहीं यूज़ करता क्योंकि चम्मच से मेरा अंडा जो है एक बार टूट गया था निकालने के वक्त, तो अभी मैं कुछ भी नहीं यूज़ करता। फिर इस तरह से धीरे धीरे एक सॉफ्ट कपड़ा के ऊपर रख देता हूँ और फिर चेक कराता हूँ। चलिए यहाँ पर देखते सबसे पहला अंडा जो है, यहाँ पर आपको भी दिखा दूंगा। तो देख लीजिए अंडा जो है एकदम पूरा लाल है हो गया है, और इसके अंदर आपको बच्चे भी दिख रहा होगा, देख सकते हो, मतलब ये जो अंडा है ना पूरा सही है, इसके अंदर हमें ब्लड दिख रहा है, पूरा रेड कलर का होगा, मतलब अंडा एकदम सही है, इसमें से बच्चे निकलेगा, ठीक है, ये खराब नहीं है, इसमें से बच्चा 100% इसमें से बच्चा निकलेगा। चलते दूसरा, यहाँ पर दूसरा को लेते हैं। देखिए ये भी, देखिए ये भी पूरा सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से भी हमारे पास जो है बच्चे निकलेगा, इसे भी रख देते हैं। और अब जाके आपको दिखाओ यहाँ पर जो अंडा है, ठीक है, इसका कलर आप देख लीजिए, फोकस नहीं हो रहा सही से, देख लीजिए ये येलो कलर का है, इसके अंदर कोई ब्लड नहीं है, इसके अंदर खून नहीं है कोई, आपको देख के पता चल जाएगा। यहाँ पर ये दोनों अंडे आपको दिखाए, उसके साथ आपको ये भी दिखा दिया, ये पूरा खराब अंडे है, येलो कलर में आपको दिखाई देगा, खराब अंडे जो होगा आपको पूरा येलो दिखेगा, ठीक है, देख लीजिए। सही से फोकस भी नहीं हो रहा क्योंकि तेज लाइट रोशनी है, जिसकी वजह से फोकस भी नहीं हो रहा है, खराब अंडा है, ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर अगला चेक करते हैं। तो ये भी खराब है, ठीक है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा लाल कलर का डॉट दिख रहा है, लेकिन पहले अंडा सही था लेकिन अब खराब हो गया, मतलब ये फर्टाइल हुआ था पहले, लेकिन थोड़ी देर बाद दो तीन दिन बाद ये अनफर्टाइल हो गया, तो ये भी खराब है, इसके भी रखते। और आखिरी वाला है इसे है, देखो ये वाला भी आप देख लो, ठीक है, ये वाला जो है इसके अंदर भी आपको अच्छी तरह से खून दिख जाएगा, देखिए ये येलो नहीं है, पूरा रेड कलर में है आपका, ठीक है, ये अच्छे वाला ये अंडा है, ठीक है। तो अच्छा जो अंडा होगा सही एग होगा तो इस तरह से आपको दिखेगा, और जो खराब अंडा होगा
आपको इस तरह दिखेगा, येलो दिखेगा येलो कलर में। तो ये वाला तो हो गया। यहाँ पर 5 में से 3 अंडा जो है फर्टाइल है और 2 जो है खराब है। तो मैं यहाँ पर 2 को बाहर रखता हूँ और 3 को जो है इसके अंदर डाल के हम इसके अंदर डाल देंगे। तो चलिए और एक पेयर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक पेयर है जो कि पहला अंडा दिया है, 2-3 दिन हुआ इसका अंडा। इसको भी एक बार बाहर निकाल के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 3 अंडा दिया है इनने। बस तो हम 3 को ही चेक करेंगे। वो धीरे धीरे बाहर निकालना है अंडे को आपको। देखिए ये 3 जो है मैंने इसको भी बाहर निकाल लिया, इसलिए हम चेक करते। देखिए ये जो अंडा है ऊपर की तरफ आपको येलो कलर में दिख रहा है, फोकस नहीं हो रहा। तो ऊपर की तरफ येलो कलर का आपको दिख रहा है और नीचे जो है पूरा व्हाइट है। तो ये वाला जो अंडा है नया वाला अंडा है, मतलब 1-2 दिन हुआ है ये अंडा दिया है। चलिए आखिरी और एक को देखते हैं। देख लीजिए ये भी सेम है, मतलब ये नया अंडा है, 2 दिन हुआ है कम से कम अंडे को दिया हुआ। और यहाँ पर और एक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी शायद फर्टाइल होगा, ये भी नया अंडा है क्योंकि ये येलो कलर में नहीं है। ये नीचे का पोर्शन जो व्हाइट है और ऊपर का येलो है, ये शायद फर्टाइल हो जाएगा। ये अनफर्टाइल भी हो सकता है, लेकिन ये नया अंडा है, 1-2 दिन हुआ है, इसको बाद फिंचमेंट में दिया है। समझ गया आप, ये जो अंडा है फर्टाइल आपको दिखाया। और एक बार दिखा दूँ, ये 5 से 7 दिन का अंडा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है अभी दिखा ये वाला टाइप का, ये 2 दिन का अंडा है, ठीक है। तो आपको शायद पता चल गया होगा अच्छे से। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बार डेटा नया वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मेरा ब्लॉग को भी एक बार फॉलो कर लेना, ब्लॉग में भी मैंने एक पोस्ट दिया है अंडे को कैसे चेक करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर आप चाहे तो एक बार फॉलो कर सकते हैं। तो उसका नाम है बाबा साहब बाजबीडार, ठीक है। वो भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा वेबसाइट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।